हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हाँ जो बेटा तू पण बोल। बोलो। तो श्री को भी आपके साथ कुछ बात करनी है। सो वो भी बोल रही है। हाँ, आते हैं पॉइंट पर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो चिप्स, और वो भी एकदम परफेक्ट, जैसे आप बाहर की रेडीमेड चिप्स भूल जाएंगे उस टाइप की चिप्स बनती है। सो आई थॉट कि आई शुड शेयर विथ यू दैट सीक्रेट। मेन तो जैसे कि ये हमारे नॉर्मल पोटैटोस है, अगर आप इससे वो चिप्स बनाएंगे तो बिल्कुल कभी नहीं बन पाएगी। मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैंने 3-4 बार ट्राई किया है, बट एक भी बार मेरे से चिप्स नहीं बन पाई है। और उसकी जो एकदम सीक्रेट बात है वो ये है कि ये पोटैटो से चिप्स वो परफेक्ट बनती नहीं। एक्चुअली चिप्स बनाने के लिए ये पोटैटोस है, ये आपको दिख रहे हैं रेड कलर के पोटैटोस। आगे की जो मेरी क्लिप देखी वो मैं कल इवनिंग का टाइम था, फिर डिनर का टाइम हो गया इसलिए मैं नहीं कर पाई। आज बना रही हूँ पोटैटो चिप्स। तो इसमें देखिए ये दोनों पोटैटो का डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो इसमें जो रेडिश जैसे दिख रहे हैं उसकी परफेक्ट पोटैटो चिप्स बनती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटैटो चिप्स बनाना। ये पीनट ऑयल है, जो हमारे गांव की हमारे खेत की मूंगफली है उसका ही हम बनवाते हैं। उसको हमने गर्म करने को रख दिया। इसमें हम चिप्स निकालेंगे, तो वो भी हमने टिश्यू पेपर रख के रेडी कर दिया है। और ये आलू को हम छील के उसकी छोटी छोटी जो साइज़ की चिप्स बना देंगे। तेल गरम होता है तब तक सब कुछ रेडी कर दिया है, तो अभी थोड़ा टाइम है तेल गरम होने में। जो गरम चिप्स आएगी उसमें ही ये सादा नमक है वो डाल देंगे और इसमें मिक्स करेंगे। और इसमें मिक्स करने के बाद जैसे ही ठंडी हो जाएगी तो ये कंटेनर में हम ले लेंगे। चिप्स की साइज़ भी बहुत मोटी या फिर बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट साइज़ है। तो इसके कारण चिप्स आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। और अभी देखिए तेल भी गर्म हो चुका है, तो बाकी के चिप्स डाल देंगे इसमें। तो टू टाइप्स से हम बना रहे हैं चिप्स। पहले तो ऐसे ही विदाउट वॉश उसको हम फ्राई कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बन रही है, एकदम क्रंची बन रही है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। विद इन 2 मिनट्स ये फ्राई हो जा रही है और जलती भी नहीं है, एकदम परफेक्ट चिप्स बन रही है। जैसे हम फ्राई करने को डालते हैं तो पूरा बाउल बबल से भर जाता है, बट धीरे धीरे वो बबल्स कम हो जाते हैं। और अभी देखिए बबल बिल्कुल बंद हो गए, इसका मतलब कि अभी कंप्लीट फ्राई हो गई है, तो अभी आप निकाल सकते हो। ऐसा ठीक ना लगे तो आप एक चिप्स बाहर निकाल के उसको तोड़ के भी चेक कर सकते हो। तो अभी ये फ्राई हो गई है तो हम इसको निकाल रहे हैं। और गरम चिप्स है तो उसके साथ सॉल्ट भी हम ऐड करते जाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये चिप्स अब गरम नहीं है तो इसको मैं कंटेनर में डाल रही हूँ। तो सेम वे अभी नेक्स्ट राउंड हम रिपीट कर रहे हैं। और ये देखिए अगली वाली बहुत ही क्रंची बनी है, मतलब कि ये जो पोटैटोस है जिसकी स्किन थोड़ी सी रेडिश है वो परफेक्ट चिप्स के लिए ही है। आई थिंक हर घर में कोई ना कोई पर्सन होते हैं जो पोटैटो चिप्स लवर होते हैं, और हमारे घर में भी ये उत्तम भाई मेरे ब्रदर इन लॉ है, उसको भी पोटैटो चिप्स बहुत पसंद है इसलिए वो मुझे हेल्प कर रहे हैं।
और ये पोटैटो है वो आपको समर की सीज़न में ही और बिफोर होली धुलेटी मिल पाएंगे, अदरवाइज़ ये मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी वो कोल्ड स्टोरेज में सब लोग स्टोर कर देते हैं और डायरेक्ट फार्मर से तो बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। अभी मार्केट में 40 रुपीज़ पर केजी है, बट हम डायरेक्ट अगर फार्मर से ले पाए तो वहाँ पर भी 15 या 20 रुपीज़ पर केजी मिल जाते हैं। तो हमने पोटैटो की स्किन निकाली है, वो पूरी एकदम रेड रेड दिख रही है और बाकी सारे पोटैटो का काम हो गया। मुझे ज़्यादा नहीं मिले थे, सिर्फ 2 केजी पोटैटो मिले थे 40 रुपीज़ पर केजी के प्राइस से। अभी हम सेकंड मेथड ट्राई कर रहे हैं कि ये जो चिप्स है उसको वॉश करके फिर फ्राई करेंगे, वॉश करेंगे फिर उसको ड्राई करेंगे और उसके बाद उसको फ्राई करेंगे, तो देखेंगे कि कोई फ़र्क आता है या जल्दी फ्राई हो जाती है, कम टाइम लगता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। ड्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वाइट एंड साफ़ हैंकर चिप से इसको पोंछ रही हूँ, सुखा रही हूँ और उसके बाद हम उसको डायरेक्टली फ्राई कर देंगे। वॉश करके सुखाने के बाद फ्राई करने में हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है, फ़र्क सिर्फ इतना लग रहा है कि इसका टेक्सचर है वो थोड़ा एकदम सॉफ्ट दिख रहा है और ऊपर जो बबल्स आते हैं वो बबल्स नहीं बने हैं एंड वाइट कलर की एकदम दिख रही है। ये देखिए वो थोड़ी येलोइश दिख रही है और ये थोड़ी वाइट दिख रही है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। तो जो पोटैटो चिप्स लवर है उनको खाने के साथ चिप्स बहुत सुंदर दिखे तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसीलिए हम लोग सेकंड मेथड से बाकी की सारी चिप्स ट्राई कर रहे हैं। सभी चिप्स को वॉश करेंगे और उसको पोछेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी चिप्स होने आई है, सिर्फ लास्ट राउंड बचा है। लाइव डेमो करके दिखा दे कितनी क्रंची है। क्रंची भी है और स्वाद में भी बहुत अच्छी है, मतलब बाहर की आप भूल जाओगे मार्केट से लाते। सो ये आप जो मैंने दिखाए वो पोटैटो से अगर घर पे बनाएंगे तो बहुत इजीली, बहुत ही जल्दी और मार्केट में मिलती है वैसी पोटैटो चिप्स आप बना पाएंगे।